हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मिनी ज्वेलरी वीडियो। ये ज्वेलरी मैंने अंतराज फैशन हब से ली थी। इट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट की हुई ज्वेलरी, ऐसा नहीं कि एक ही बार में मैंने ऑर्डर किया था, बट ये उनका कलेक्शन आता रहता है। ये यूजुअली दोनों रहता है, ट्रेडिशनल भी रहता है, वेस्टर्न भी रहता है, आप डेली यूज़ कर सको ऐसा भी रहता है। बट मैं जो अभी शेयर कर रही हूँ दैट इज़ बेसिकली मिक्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग। लाइक कभी आप कैजुअली कहीं बाहर जाना चाहो तो वेयर कर सको वैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने अभी वेयर किया है ये उनसे ही है। ये उनका दुबई कलेक्शन वाला जो सीरीज़ का उन्होंने लाइव किया था ये तब का है। इट इज़ अ क्वाइट ओल्ड वन, बट ये कितना अच्छा लगता है और इतना सा पहनो ना तो डेलिकेट और अच्छा भी लगता है और डेली वेयर भी आप कर सकते हो। मतलब नॉट ऑलवेज हैव टू वेयर दैट हैवी हैवी काइंड ऑफ चेन्स एंड मूव अराउंड। ये ऑफिस गोइंग या कॉलेज में वगैरह अच्छा लगता है। और इसके साथ जो मैंने ऑर्डर किए थे ये सारी वो ज्वेलरी है, तो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दिस ऑल विल बी अराउंड, मतलब वो काफ़ी अच्छा ऑफर्स भी अवेलेबल करा देते हैं इस पर। उनका एक्चुअली लाइव आप फेसबुक पे फॉलो करते रहोगे तो ज़्यादातर लोगों को पता चल जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। तो ये है कुछ नेक पीसेस, जैसे कि ये चेन है ना वैसे ही डेलिकेट वाले चेन्स है जो आप ऑफिस वेयर कर सकते हो। तो मैंने दो इसमें मंगवाया था, एक सिल्वर और एक गोल्डन में। सी देख रहे हो, ये उसका लॉकेट है, ये सिल्वर चेन है। सो ऐसे कोई चीज़ पे व्हेन यू वेयर नो इट लुक्स नाइस। एक मिनट, लेट मी शो यू। सी ऐसा इफ यू वेयर नो सिल्वर, तो ये ऐसे टॉप्स पे वगैरह अच्छा लगता है, बहुत ही डेलिकेट और सुंदर लगता है। ये पंजाबी ड्रेसेस पे भी अच्छा दिखता है, बट देन वेस्टर्न पे हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या पहने, और इतना यू नो हैवी हैवी ज्वेलरी का ये नहीं, हर कोई नहीं पहनता। तो उन लोग के लिए ये जो उनका कलेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था। यू कैन एनी वेज कॉन्टैक्ट हर ऑन हर व्हाट्सएप नंबर, उनका फेसबुक पेज है अंतराज फैशन करके, तो वहाँ पे आप उनको पिंग कर सकते हो, डीएम कर सकते हो फॉर सच डेलिकेट कलेक्शंस। शी विल ऑब्वियसली प्रोवाइड यू द पिक्चर्स इफ़ देर आर एनी अवेलेबल करेंटली। ये था ये सिल्वर में, एंड वन वॉज दिस गोल्डन वन। और ये तो आप इमेजिन नहीं करोगे वो प्राइजेस पे था। ये गोल्डन वाला 140, सी इसका डिज़ाइन भी देखो कितना डेलिकेट और बहुत ही प्रिटी है एवरीडे के लिए। चेन भी देखो, और मेरे को इनकी ज्वेलरी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे ही मैं कोई भी चीज़ बता नहीं देती हूँ यूट्यूब पे, या वीडियो बनाना है करके बना दो। इनका एक्चुअली ज्वेलरी मैंने यूज़ किया है, आपको यहाँ पे नेक पे कहीं पे इचिंग नहीं होती है, इसका कलर फेड नहीं होता है। यूजुअली मैंने बाकी भी ज्वेलरीज ट्राई की है दूसरे सेलर्स से, बट उनका मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि ज्वेलरी आप अगर ज़्यादा टाइम पहनो ना तो वो मे बी बिकॉज इट इज़ कॉपर या क्या पता नहीं, वो अगर आपका वेट रहे, जैसे आपने नहाया है और फिर आपने वो बराबर से पहुँचा नहीं योर ज्वेलरी, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रीनिश हो जाता है। तो इनकी ज्वेलरी में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कोई ज्वेलरी ग्रीनिश नहीं होती अगर आप डेली वेयर करो तो भी। सो उस हिसाब से ये ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है इनसे जो लेती हूँ। और 140 में है, देखो 140 में आपको रोड साइड भी ज्वेलरी मिलती है जो आपको तीन चार टाइम से ज़्यादा आप वेयर नहीं कर सकते, बट अगर ये ज्वेलरी आप बहुत यू नो लंबे टाइम तक, या जैसे कि 6 महीना साल भर तक आप वेयर कर सको तो इट इज़ क्वाइट वर्थ मेरे हिसाब से।
सो ये था वो दो नेक पीसेस जो डेली वेयर कर सके। देन एक और है उनका दुबई गोल्ड कलेक्शन वाला जो आता है 1 ग्राम का, उसमें से ये लॉकेट देखना, इतना प्यारा लॉकेट है। ये सब आई गेस वो कैरेट लाइन का वगैरह नहीं आते लॉकेट्स, ये सब वैसे इसमें। आजकल ये लॉकेट बहुत फेमस हो रहा है इंस्टा पे भी। सो ये लॉकेट और ये चेन है। सो ये हुआ, और एक देन वी हैव इयररिंग्स। ये देखिए बहुत ही डेलिकेट और इतनी सुंदर प्यारी इयररिंग्स है ना, ये आप डेली वेयर कर सकते हो। और इसका है ना कलर भी नहीं जाता है व्हेन यू वेयर। अगर ये मैं बोलूँ ना तो ये मैंने जब लिया था तो इट वॉज शाइनिंग लाइक दिस, बट विद इन 3-4 यूजेस ये थोड़े डल हो गए हैं। ये तो ये सब लोकल क्वालिटीज़ रहती है। तो ये जो है ना ये बहुत ही प्यारा है एंड बहुत बार यूज़ कर चुके हैं इस टच वुड इसको कुछ होता नहीं है। और आई होप उनका सारा ज्वेलरी और सबके साथ ये एक्सपीरियंस ऐसा ही हो हमेशा। और एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल वेयर का इयररिंग्स था वो टाइम पे लिया हुआ, ये रहा। यार पकड़ू कैसे, एक मिनट लेट मी जस्ट एडजस्ट सी। ये दो मतलब ये एक पेयर ऑफ इयररिंग्स, ये सब छोटा मोटा नॉर्मल। अगर आप किसी रिलेटिव के घर पे जा रहे हो तो वैसे टाइम पे ये सब पहन पहन सकते हो आप। मीन्स जिसको गोल्ड पहनना भी है माइट एज वेल एज बाहर जाते वक्त डर लगता है, तो ऐसे ऑप्शंस अच्छे हैं टू वेयर। और एक थोड़ा हैवी फंक्शनल टाइप इयररिंग्स और फिंगर रिंग्स लिया था, वो है ये पिकॉक वाला फिंगर रिंग है। ये कोई ऐसा कॉकटेल पार्टी वगैरह रहेगा ना तो उसमें ये वेयर करने के लिए बहुत ही प्यारा है। सो ये वो फिंगर रिंग है एंड दिस इज़ द इयर रिंग दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सी इसमें ये पीछे ऐसा लॉक सिस्टम भी है और ये नॉर्मल आप अपना जो पेच आता है ना इयर रिंग का वो भी है। सो दोनों सिस्टम है। इसका डिटेलिंग देखो कितना प्यारा है, कलर डायमंड्स वगैरह। सो ये एक इयर रिंग हुआ और लास्ट ये पेयर ऑफ इयर रिंग्स एंड चेन है। ये रहा वो डायमंड का लॉकेट है और इसको सेम मैच करता हुआ ये इयर रिंग्स है। सो ये लॉकेट एंड इयर रिंग का पूरा सेट है अलॉन्ग विथ चेन। सो ये सारा जो ज्वेलरी मैंने अभी शो किया है ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, 1.5 बोलो 1 बोलो, बट ये दुबई कलेक्शन वाला है एंड ये डेली वेयर आप कर सकते हो। बट अगेन ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर इज परफ्यूम से और जो अल्कोहल स्प्रेज रहते हैं ना मेकअप फिक्सर वगैरह, इससे दूर रखिए। आप पूरा कर लीजिए मेकअप फिक्सिंग वगैरह जो करना है, बाद में वेयर कीजिए तो ये बहुत अच्छे से बहुत लॉन्ग टाइम तक आप साथ देगा आपका। सो यही था फॉर दिस वीडियो। ये एक छोटा सा आपके साथ मिनी यू नो हॉल शेयर करना था अंतराज फैशन हब से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू।